तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से वीडियो को यूज कर सकते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और कौन सा वीडियो इफेक्टिव रहता है। वैसे बहुत ही शॉर्ट होने वाली है वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि वीडियो भी मैं पूरा नहीं चला के दिखाऊंगा, आपको दो वीडियो बताऊंगा और आपको शायद ये दोनों वीडियो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक एफिलिएट मार्केटिंग का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोज बना सकते हो। प्रैक्टिकल नहीं, मैंने आपको बस ऐसे बता दिया था कि इसी सॉफ्टवेयर का आप यूज करके बना सकते हो। अगर आपको ये भी समझना है कि प्रैक्टिकल में आप कैसे बना सकते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना कि आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊं उसमें मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वीडियोस बना सकते हैं। गाइस, वीडियो 100 टाइम्स बेटर होते हैं किसी भी पोस्ट से, ठीक है? ये पहले भी मैं बोल चुका हूं और आज भी बोलता हूं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली वीडियो ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसे चल रही है आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसका साउंड बंद कर दिया है और ये प्ले हो रही है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है आप सोचो इस वीडियो से, ठीक है? इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा और उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कौन सा वीडियो बेस्ट है, ठीक है? अब इस वीडियो को आप देख रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है? और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है वीडियो ये भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पूरा देखने की जरूरत नहीं आई थिंक। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तो एक और वीडियो है यहाँ जिसका आवाज मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ा आधा ही सुनाऊंगा, फिर उसके बाद ऑफ कर देंगे। Not only for our latest Facebook promotion, you can get this amazing doodle sketch animation software totally free of charge right now. Create amazing sketch video. दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी है? पूरी वीडियो तो नहीं देखी लेकिन ये आपने इस दोनों वीडियो को देख लिया है, ठीक है? पहली ये वीडियो और दूसरी ये वीडियो। गाइज, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो है और ये भी एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो, ठीक है? ये एक पेज पे चल रही है जिसमें एक शेयर आया और 116 व्यू आया, ठीक है? ये भी एक पेज पे चल रही है लेकिन ये वीडियो को स्पॉन्सर करके, मतलब ये पेड एड में चल रही है, ठीक है? पेड एड में चल रही है और इसका जो अपना शेयर आया है वो आया 417 714, ठीक है? और जो व्यू है वो 3.5 मिलियन है, ठीक है? इसमें इस बंदे ने बहुत पैसे छापे हैं इस ग्लास को बेच बेच के, ठीक है? तो अब कंपेयर करते हैं कि कौन सी वीडियो बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? इस वीडियो में ये बंदा क्या कर रहा है, ये इस वीडियो में ये बंदा इसका डिटेल्स बता रहा है कि ये ऐसा ऐसा ये चीज है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप वीडियोस बना सकते हो, ठीक है? और क्या बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो है ये आपके लिए ऐसे, मतलब जब आपके लिए वीडियो बना सकता है, आपके लिए ये कर सकता है, आपके लिए वो कर सकता है, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ दिखाया जा रहा है कि आपके लिए ये कैसे एडवांटेज दे सकता है और आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में सिर्फ डिटेल दी जा रही चीजों की। तो डिफरेंस यही है गाइस कि आपको ऐसा वीडियो क्रिएट करना है जिसमें आप एग्जाम्पल के साथ लोगों को बता सकें कि लोगों का क्या फायदा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, पहले वीडियो में भी कहा है और आपको बताया है कि लोग सिर्फ फायदे के लिए ही आते हैं जब तक उनको अपना फायदा समझ में आता है, चीजों को देखते हैं वरना वो छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी वीडियो क्रिएट करनी है जिससे आप लोगों पे इम्पैक्ट डाल सकें और उनको बता सकें कि इससे क्या फायदा है। ये देखो, ये सिंपल सिर्फ बता रहा है, देखो सिंपल सिर्फ बता रहा है कि इसका क्या फायदा है, क्या चीज है, ये बस ये बता रहा है। लेकिन यहाँ अगर मैं जाऊं और यहाँ इसको प्ले करूं तो ये मुझे बता रहा है कि जब आप गेमिंग करो, ग्लास गेमिंग खेलो या मोबाइल देखो या कुछ भी करो तो आप इस ग्लास का यूज कर सकते हो और ये इस तरह यूजफुल है। तब जैसे ही लोग इसको देखेंगे तुरंत जाएंगे और उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अब दूसरी चीज मैं बता दूं, देखो बिना पेड एड्स के भी आप इसको वायरल कर सकते हो। कैसे? यहाँ एक ऐसा टैग दे दो, कहाँ पर, अब दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ एक ये जो लिखा है ना यहाँ ऊपर में, वी ऑल नीड दिस दिस दीज ग्लासेस विल सेव योर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स, ठीक है? तो यहाँ एक ऐसा टैग दे दो जो लोगों को पढ़ने में मजा आए, ठीक है? या तो कुछ ऐसी गलती कर दो जो लोगों को पढ़ने में मजा आए। डम डम लिख दो, डम को, ठीक है? डम मतलब बहरा, डम, ठीक है? डम है, ही इज डम, ही इज डम,
ठीक है, तो यहाँ क्या एक मजा टाइप का आ रहा है, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करो जिसमें थोड़ा लोगों को किक मिले, या तो एक कार्टून जैसा बना दो, जैसे कि एक मेक जोक ऑफ है ऐसा करके अपना एक चैनल है ना यूट्यूब में जो वो बनाता है, तो उस तरह का एनिमेशन करके भी आप एड्स बना सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद वायरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप वैसा थोड़ा फनी क्लिप उसमें डाल के जब एड बनाओगे तो आप उसको 10-15 ग्रुप में अगर शेयर भी करते हो तो ज्यादातर चांस रहेगा कि वो वायरल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ व्यू भी आ जाते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, एक सेकंड दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहाँ गया वो वीडियो, हाँ इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैसे बनाना है, मतलब कैसे आपको एडवर्टाइजिंग करनी है फेसबुक पे शेयर कर करके। तो अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप फेसबुक से देख सकते हैं, सॉरी ये वीडियो को देख सकते हैं कि फेसबुक पे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग की ही वीडियो है कि हाउ टू सेल ऑन फेसबुक पेज, तो उसका आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। तो आप ऐसे शेयर कर करके अच्छा किक वाला वीडियो बना के अच्छा इम्पैक्ट डाल के काफ़ी अच्छा सेल निकाल सकते हैं। और ये कंपेयर अगर हम करें अपने पोस्ट से या कंपेयर करें अपने पेड मार्केटिंग से, तो वहां से ज्यादा फायदा आपको ये दे सकता है। सिर्फ स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत है कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करो और टारगेट जगह बस वीडियो को शेयर करो, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और जहां आप पेड एड का यूज करते हो, जहां आप ऐसे सिंपल वीडियोज का यूज करते हो, वहां आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, वहाँ यहाँ आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो गाइज कोशिश करो कि ऐसा वीडियो क्रिएट करो, यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं, आप यहाँ लोग अगर मैं यहाँ गलतियाँ गिनवाने लगूँ तो इतनी सारी गलतियाँ इस वीडियो में कि ये वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए है ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ कम से कम टैग और डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी लोगों को समझ में आता है कि ये वीडियो किस बारे में है, ये बस ये वीडियो इन्होंने बना दिया और यहाँ डाल दिया इसीलिए इस वीडियो का इतना गंदा रिजल्ट है, नहीं तो अगर गिरे से गिरी स्थिति में इस वीडियो का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता था। देखो इन्होंने वीडियो सही समझ के सही कैप्शन दिया, अच्छा यहाँ पर ऊपर में भी वीडियो में भी अच्छा कैप्शन दिया, बेलो नीचे पैडर पे भी अच्छा कैप्शन दिया, तो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 7,014 शेयर्स और 3.5 मिलियन व्यूज। ठीक है, ये ज्यादा पुराना वीडियो भी नहीं है, मैं इस पेज को जानता हूँ अच्छे से, तो आप ये गेम कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे आके आपके पेज, मेरा जो पेज है यहाँ आके मुझसे मिल सकते हो, या तो आप मुझे अपना इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन मनी को सपोर्ट करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।